अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण हो, इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा प्रखंड शौर्य यात्रा के अंतर्गत डग कस्बे में मोटरसाइकिल वाहन रैली निकाली गई। शौर्य यात्रा भैरव जी महाराज मंदिर से प्रारंभ हुई, जो कस्बे के विभिन्न मार्गों से होती हुई हनुमान मंदिर पहुंची, जहां सभी कार्यकर्ताओं ने 108 बार राम नाम का जप कर अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण के लिए संकल्प लिया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री दिलीप प्रधान, अवध आरएसएस के सह जिला कार्यवाहक शंकर सिंह जगदीशपुरा और खंड कार्यवाहक सोदान सिंह थे। बजरंग दल प्रखंड संयोजक सुमान सिंह ने आभार प्रकट किया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष देवी सिंह कल्याणपुरा, प्रखंड अध्यक्ष गोपाल सिंह जगदीशपुरा, बजरंग दल के पूर्व जिला संयोजक सुरेश कुमार काका, विहिप के पूर्व प्रखंड मंत्री लाल चंद्र प्रेमी, प्रखंड उपाध्यक्ष बालू सिंह तिसाई, प्रखंड उपाध्यक्ष शिव सिंह, प्रखंड मंत्री पुष्पेंद्र भट्ट, नगर उपाध्यक्ष पंकज जोशी, राधेश्याम हर नावदा, राजू नाथ दारिया, हिमांशु सोनी, विक्रम बागरी सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। शौर्य यात्रा के दौरान शांति व्यवस्था को बनाए रखने हेतु डग थाने के साथ साथ आसपास के पुलिस थानों के जाब्ते सहित पुलिस लाइन के जवान भी मौजूद रहे। झालावाड़ से न्यूज मीडिया टुडे के लिए अब्दुल अलीम।